इम्पोर्टेंट वन, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता 7.4 पे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और सब में एक ही पैटर्न है, एक पैटर्न अगर से समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी पहला क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन रीड करो, टेक्स्ट बुक सबके सामने होनी चाहिए। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 11x plus 8y, 11x plus 8y, comma subject to x less than equal to 4, एक constant x less than equal to 4, y less than equal to 6, और इसलिए x plus y less than equal to 6 is there, and then afterward comma x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 is there, so very simple one is there. This is the function you have to maximize here, z is equal to 11x plus 8y, and these are the constraint given to us, x less than equal to 4, one constraint, y less than equal to 6, another constraint, x plus y less than equal to 6 is the third constraint of that one, and as we know that x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, it means our graph is in the first quadrant of that one. So for going this one, first of all we draw the table for that one. As you know very well, what about the table of that one? Table सगळ्यांना माहित आहे, आपण नेहमी काढतो आपण टेबल, त्या टेबल मध्ये काय काय काढायचं सगळं लक्षात आहे। तर बघा ना टेबल मध्ये सर्वात पहिले याच्यामध्ये टेबल मध्ये काय काय करता येईल ते बघू आपण। तर 7.4 साठी त्यांनी जसं पुस्तक दिले तसा आपण त्याप्रमाणे याच्यामध्ये हे करू। तर बघा ना सेम आपण जसं नेहमी काढतो तसं सेम, काय पहिले लाईन्स सर्वात पहिले काय असतो सगळ्यांना लक्षात आहे, आपण 7.2 मध्ये केलेले लाईन्स, त्यानंतर काय एक्स आणि वाय, त्यानंतर काय लाईन पासिंग थ्रू एक्स अँड वाय, लाईन पासिंग थ्रू एक्स कॉमा वाय, त्यानंतर काय असतो साईन, एस आय जी एन साईन, आणि त्यानंतर काय असतो त्याचा रिजन, सेम पाहिला लाईन सर, माइक चालू आहे सर, माइक बुलेट बुलेट सर, त्याचं नाव नाही आहे, नंबर आहे। हा सर, ते मोबाईल नंबर वाला 867 वाला। हा सर, मोबाईल नंबर आहे डिस्टर्ब केले मध्ये पहिल्यांदा लेक्चर बघायला गेलं बाबा गेलं सर ते बघा। तर पहिल्यांदा लाईन्स बघू, पहिली लाईन आहे आपल्याकडे एक्स लेस देन इक्वल टू 4, ही पहिली लाईन एक्स लेस देन इक्वल टू 4, या लाईन मध्ये एक्स लेस देन इक्वल टू 4 मध्ये आपल्याला माहित आहे एक्स लेस देन इक्वल टू 4 ही इनइक्वालिटी आहे, लाईन्स म्हणल्यावर काय एक्स इज इक्वल टू 4 हे पहिली लाईन आहे। आता मला सांगा याच्यामध्ये एक्स चा कॉर्डिनेट 4, वायचा कॉर्डिनेट किती 0, लाईन पासेस थ्रू याला नाव देऊ आपण काय, आपण नाव देऊ ए ऑफ 4 कॉमा 0, त्याचा साईन सांगा, साईन इज नथिंग बट लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू म्हणजे कोणता ओरिजिन साइड ऑफ लाईन। हा टेबल सगळ्यांमध्ये प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये येईल, त्यामुळे प्रत्येकाला हा टेबल काढायला पाहिजे, आणि हे आपण एक्सरसाइज 7.2 मध्ये सुद्धा पाहिले आहे ना, लाईन्स xy line passing through xy sine and then region of that one. Now second line y less than equal to 6 is there, so you can write here y is equal to 6, x coordinate 0, y coordinate 6, dusra point kya beta 0 comma 6 is there, then what is the sine here, tino ka sine same hai, less than equal mani kaun sa part origin side of line. The next one, next equation is x plus y is equal to 6 is there. So, यहाँ पे भी दो पॉइंट मिलेंगे। x plus y is equal to 6 मतलब पहले y 0 रखो, तो x कितना मिलेगा? 3। उसी प्रकार से x 0 रखने पे y कितना? आप सुनिए स्काइप कॉलर, पढ़ा नहीं होगा। एक पॉइंट क्या चला? C of 6 comma 0 and दूसरा पॉइंट चला D of 0 comma 6 is there. And is less than equal, which is same origin side of the line.
origin side of line is there. So this one. तर टेबल सगळ्यांना माहिती कसं काढायचा याला फक्त व्यवस्थित आपण जर असा व्यवस्थित जर केला आपण तुमच्यामध्ये तर रजिस्टर मध्ये सगळे असतात लाईन्स वगैरे व्यवस्थित फक्त तुम्हाला करून दाखवा लागेल तुम्हाला कसा डब्बा तयार करायचा एक बघा सगळ्यांना माहिती आपण याचा उत्तर पण घेतलेले हा एक्स वाय साठी हे दोन्ही वेगळे करा हा लाईन पासिंग थ्रू एक्स वाय चा कॉलम वेगळा साईन्सचा कॉलम वेगळा आणि रिजनचा आता फक्त याच्यामध्ये महत्वाचं काय ते बघा त्यामध्ये करताना इथे काय करायची गरज नाही सरळ लाईन घ्या अशी एक याच्यामध्ये सुद्धा काय करायची गरज नाही सरळ लाईन घ्या अशी आणि याच्यामध्ये आता हा एक्स वाय मध्ये हे असे दोन करावं लागेल म्हणजे हा लाईन साठी एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू सिक्स साठी व्हेन युअर वाय इज इक्वल टू झिरो देन एक्स इज इक्वल टू सिक्स अँड नाव एक्स इज इक्वल टू झिरो देन वाय इज इक्वल टू सिक्स इज देअर सो लाईन इज नथिंग बट सी डी इज लाईन या पे सिर्फ एक ही लाईन थी एक्स इज इक्वल टू फोर सो ओनली वन पॉइंट इज देअर वाय इज इक्वल टू सिक्स सो ओनली वन पॉइंट इज देअर Here we got here two points. Whenever y is equal to 0, x is equal to 6. And whenever x is equal to 0, y is equal to 6 is there. So line is nothing but CD is there. So in that one, we have to first we draw the graph of that one. Then we proceed to the further part of that one. So first, we will draw the graph. Then we will go ahead and go ahead. The graph is not the same. The graph is 18.1. One line is 4.0. One line is 0.6. And one line is 6.0 and 0.6 उसके बाद उसका क्या निकालेंगे अपन फिजिबल रीजन रीजन का नंतर मैं अपन तो बता क्या करते हैं यार टेस्ट क्वेश्चन में सब बता साइन लेस देन इक्वल मतलब सबका कौन सा है तीनों लाइन का कौन सा पार्ट ओरिजिन साइड एंड ओरिजिन साइड का तो मैं बाजू में फक्त पॉइंट लिख दो यहां पे पॉइंट लिखेंगे बाजू में ग्राफ निकालने के लिए तो एक पॉइंट है 4.0 एक लाइन है 0.6 की एक लाइन है 6.0 और डी है 0.6 की तो ऐसा है तो देखो अभी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट वन ऑल द क्वेश्चंस हैव सेम टाइप सबका एक ही टाइप है कोणाला एक जरी प्रश्न कळाला तो बाकी सगळे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करता येईल बघा वेरी सिंपल वन तो सबसे पहले इसमें देखो मैक्सिमम पॉइंट ए और एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर 4, 0, 6. X axis पे maximum point 6 is there. Y axis पे देखो 0, 6 and then 6. दोनों पे maximum point 6, 6 है. So you have taken the distance as a 1 unit is there. So here we draw the graph for that one. Graph कुछ ऐसा आएगा इस प्रकार से. देखो यहाँ पर ये origin, ये 8 point, 2, 3, 4, 5 और ये कितना 6. (6, 1) 8, 5, 7, 1, 6, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 1, 6,
comma 0. 1, 2, 3, 4, 5. A of 4 comma 0. मतलब यहाँ पे एक line मिलेगी. A of 4 comma 0 means we got the one line with something like to be here. So this line is nothing but this is the line. This one. And the point is nothing but 4 comma 0 is there. Second line, 0 comma 6. B of 0 comma 6. You got the line something like to be here. This one. This is the point B. This is the point A. Now, this is the line CD. ये line क्या है? CD. CD line क्या है? 6 comma 0. मतलब यहाँ पे 6 comma 0 और 0 comma 6 मतलब ये. 6 comma 0 and 0 comma 6 is nothing but it is your C and is also B and D. Both are the same. दोनों coordinates same है. B और D. Both are the same coordinates. Now. Three lines we draw here, x is equal to 4, first line, y is equal to 6, second line, and another line is a CD. CD line can be 6, 0 or 0, 6. So we have to join this line, this is the third line. The important portion is that, which portion we have to shade here. कौन सा portion shade करेंगे? एकदम simple है. कौन सा portion? तीनों line का कौन सा part? Origin side. मतलब क्या? ये line x is equal to 4 का origin side. मतलब ये origin वाला part, इधर का portion. y is equal to 6 का origin मतलब इसके
नीचे का पार्ट। अब सिमिलरली लाइन सी डी का ओरिजिन वाला पार्ट मतलब तीनों का नीचे का कॉमन पोर्शन मतलब ये पोर्शन शेड होगा, दिस वन, दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ ऑल द थ्री लाइंस, दिस वन, ये तीनों का कॉमन पोर्शन है ना। लाइन ए, लाइन ए का मतलब x इक्वल टू 4 का ओरिजिन वाला, y इक्वल टू 6 का ओरिजिन। अब देखो ये यहां पे ये y इक्वल टू 6 मुझे बड़े बहुत से स्टूडेंट को ये दिमाग में आएगा ये लाइन का नीचे का, बट अगर तो ये पोर्शन अपन शिफ्ट करेंगे तो लाइन सीडी का कौन सा पोर्शन हो जाएगा ऊपर मतलब नॉन ओरिजिन, तो वी कैन नॉट शिफ्ट दिस ग्राफ, वी हैव टू शिफ्ट दिस पोर्शन। तो लाइन y इक्वल टू 6 यहां तक है तो इसके नीचे का मतलब यहां पे लाइन सी डी का ओरिजिन पार्ट मतलब इसके नीचे का पार्ट, दिस पोर्शन यू हैव टू शेड हियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये शेडेड पोर्शन में हाउ मेनी पॉइंट्स कम इन दैट शेडेड पोर्शन, हाउ मेनी पॉइंट्स कम सी नाउ, एक पॉइंट आया ओ ओरिजिन का, एक पॉइंट आया ए, हाँ इससे पहले बताया वाला है व्हेनेवर टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट तो नेम द पॉइंट एज अ पी, जबकि दो लाइन इंटरसेक्ट होंगे उसका नाम क्या देंगे पी, तो पॉइंट क्या है फिजिबल रीजन क्या है लिखेंगे, देयरफॉर द फिजिबल रीजन, देयरफॉर वी कैन राइट हियर देयरफॉर द फिजिबल रीजन इज शेडेड पोर्शन, देयरफॉर द अच्छा फिर लिखेंगे इसको देयरफॉर द फिजिबल रीजन इज व्हाट इज द फिजिबल रीजन हियर कैन यू टेल मी इज शेडेड पोर्शन, इज शेडेड पोर्शन चलो ओ ए पी B या फिर D, अपन यहाँ पे क्या लिए D और कंप्लीट करो O, दिस इज द फिजिबल रीजन दैट इज शेडेड पोर्शन इन द ग्राफ, इन द ग्राफ। तो यहाँ पे इंग्लिश का अनुवाद ऐसा है यहाँ पे ट्रांसलेशन कि ये ग्राफ में फिजिबल रीजन अगर से देखिए तो शेडेड पोर्शन कौन सा शेडेड पोर्शन है O A P B क्यों D, दिस वन दोनों में से एक पॉइंट, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या है सेम है, B के कोऑर्डिनेट्स भी 0.6 और D के पॉइंट भी 0.6, इस कारण से दोनों में से एक पॉइंट अपन ले सकते हैं, ठीक है। सो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, ये हो गया इसका देयरफॉर द फिजिबल रीजन इज शेडेड पोर्शन O A P A P D O इन द ग्राफ, ग्राफ में इसका शेडेड पोर्शन है। अब उसके बाद बोलो अगला क्या है, अब इसका निकालेगा अपने को मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये जितना पॉइंट्स है O A P D O में O के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, O के कोऑर्डिनेट्स कितने 0.0, A के कोऑर्डिनेट्स कितने 4.0, उसके बाद D के कोऑर्डिनेट्स मालूम है 0.6, इसमें कौन मालूम नहीं P मालूम है। तो सबसे पहला काम वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P अगर से निकालने का है तो पॉइंट P इज नथिंग बट इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, एक लाइन CD का और कौन सी लाइन x = 4 का इंटरसेक्शन है, दो लाइंस को सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेंगे P के कोऑर्डिनेट्स, अपन ऐसे लिखेंगे यहां पर वेरी सिस्टमेटिक है, यू कैन राइट हियर, ये दिख रहा ना यहाँ पे, ठीक है, सो यू कैन राइट हियर, वेरी सिंपल वन, यू कैन राइट हियर, द वर्टाइसेस ऑफ फिजिबल रीजन आर, द वर्टाइसेस ऑफ फिजिबल रीजन आर, बोलो क्या क्या मिले, पहले अपने को ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स मालूम है 0.0, ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम है 4.0, पी के मालूम है, फिर क्या मालूम है डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है 0.6 इज देयर। अब रहेगा इसमें शेडेड पोर्शन में एक पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट का नाम क्या है पॉइंट पी इज देयर, तो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी वी हैव टू सॉल्व टू इक्वेशंस, मतलब दो लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, एक लाइन x इक्वल टू 4 और एक लाइन कौन सी CD को, दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके अपन क्या करेंगे P के कोऑर्डिनेट्स, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो देयर इज मोर स्पेस इन देयर, वी हैव टू रब दिस वन, इसको साफ करना पड़ेगा हमें, ग्राफ टू ग्राफ सबके समझ में आ गया, देखो अब इसके आगे
बहुत सिंपल है, चार मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता, बस इतने स्टेप्स करने का है। पहले क्या लिखा अपने, सबसे पहले टेस्ट ऑफ फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन ओ ए पी डी इन द ग्राफ। फिजिबल रीजन में जितने पॉइंट्स है उनके वर्टेक्सेस, इसमें ओ मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है और ओ तो ऑलरेडी मालूम है, इसमें सिर्फ कौन मालूम नहीं है, पी। तो अपना काम पहला पी के पॉइंट ऑफ, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना। क्या लिखेंगे, पी इज द, पी इज नथिंग बट पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। कौन से दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पी। देखे थे अपन ने, एक लाइन है एक्स इज इक्वल टू फोर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, सो आवर पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक्स इज इक्वल टू फोर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स। तो बोलो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी का 70 सबको मालूम है, कैसे मिलेगा जब x इज इक्वल टू फोर इसमें रखेंगे अपन, तो चार प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो y इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर मतलब कितना टू। तो पहले x कोऑर्डिनेट कितना मिला, चार। ये x इज इक्वल टू फोर इसमें रखो तो चार प्लस वाई इज इक्वल टू छह, तो y इज इक्वल टू छह में से चार गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया टू। तो इन आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, है ना। ये दो लाइन को सॉल्व करें, x इज इक्वल टू फोर और x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी मालूम है, तो x का कोऑर्डिनेट कितना हो गया चार, और फाइंडिंग y कोऑर्डिनेट के फिर दैट वन इसमें रखो 4 + y = 6 तो y = 2 दिस वन। सो वी गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, P के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब क्या करेंगे अपन, सब के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पे ये जो है दिस पॉइंट्स आर सेट टू बी द, देयरफॉर द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, फिजिकल रीजन आर। अब चारों मिल गए, बोलो क्या क्या कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट मतलब फिजिकल रीजन के पॉइंट, 0, 0, 4, 0, पी मतलब 4, 2 और डी मतलब 0, 6। तो यहाँ तक कोई तकलीफ, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। फिजिकल रीजन पहले डिक्लेयर करें, फिजिकल रीजन में हर एक के वर्टेक्सेस मालूम है, ओ मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है, पी मालूम नहीं है। सबसे पहले P के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइन को सॉल्व करके P के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले। तो ये जो पॉइंट्स है फिजिबल रीजन के O A P D, ये एक्चुअल क्या है, दीज आर सेड टू बी द कॉर्नर पॉइंट्स, किसके कॉर्नर पॉइंट्स, फिजिबल रीजन के। तो देयरफॉर द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर, O भी मालूम है, A भी मालूम है, P भी निकाला अपन ने, D भी मालूम है, इसके क्या है कॉर्नर पॉइंट्स आर देयर। नाउ नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो अपना मेन टारगेट है उसको अपन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जितने ये पॉइंट्स है ये सब के सब पॉइंट्स क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y में रखेंगे। अब जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो उसकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू, जैसे कि लिखेंगे अपन टू द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट दिस वर्टेक्सेस आर, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे जरा, चलो कोई बात नहीं है, देखिए द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट दीज वर्टाइसेस आर, एट दीज वर्टाइसेस आर, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे जेड इज इक्वल टू 11x प्लस 8y, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट दीज वर्टाइसेस आर, एट दीज वर्टाइसेस। जितने वैल्यूज है सब इस पर दो, सो व्हाट वी गॉट हियर, सी एंड नो, सो व्हाट वी कैन सी दैट हियर। देखो यहां से थ्योरी पार्ट में क्या लिखा पड़े, सबसे पहले ग्राफ के बाद उसका फिजिबल रीजन लिखना पड़ेगा, फिजिबल रीजन में जो वर्टाइसेस मालूम है उसकी वैल्यूज और जो मालूम नहीं है उसको निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट के हिसाब से। फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स रखेंगे कितना
ओ क्या मिला, 11 इंटू जीरो इसको लेते हैं, 11 इंटू जीरो प्लस 8 इंटू जीरो यू गॉट हियर जीरो एट ए, ए पॉइंट पर रखो तो कितना मिला जेड ऑफ ए, जेड ऑफ ए, ए के पॉइंट्स कितने हैं बोलो यहाँ पे 11 इंटू फोर ठीक है, और वाई के अकॉर्डिंग कितना है जीरो, 11 फोर इज 44 एट पॉइंट पी, Z of P 11 into 4 plus 8 into 2 44 plus 60 it is nothing but 60. Last point at point D Z of D 11 into 0 plus 8 6 are 48. So bolo sabse zyada maximum value kahan pe, maximum value of the function is nothing but at point P which is equal to be 60. First thing is therefore what you can say that therefore Z has maximum value at point P and which is 60. ये उड़ा दर किला तुम्हें इतना अगर से करेंगे तो you got 4 marks in examination. एकदम सिंपल. देखो steps क्या क्या है. सबसे पहले we draw the table for that one. Table में क्या? Lines x, y, line passing through x, y. साइन एंड देन ओरिजिन रीजन सॉरी. उसके बाद ग्राफ निकालने के बाद उसका ग्राफ निकालेंगे फिर पॉइंट पे से फिर अपने क्या मिलेगा उसका फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन में सभी सब मुझे प्रत्येक वर्टेक्स फायदा से ऐसा कहीं नहीं जिसके मालूम नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो निकालेंगे पहले. जैसे यहाँ पे पी मालूम नहीं था तो पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस. दो लाइन को सॉल्व करके पी की पॉइंट्स निकाले. पी निकालने के बाद फिजिबल रीजन के पूरे कॉर्नर पॉइंट्स मालूम होंगे. ओ मालूम होगा, ए मालूम होगा, पी मालूम होगा, डी मालूम होगा. ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये क्या रखेंगे अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इज इक्वल टू 11x प्लस 8y में ये पूरे कोऑर्डिनेट्स रखेंगे. तो पहले ओ रखा तो जीरो वैल्यू आई एट ए. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 0 एक्स मतलब 4 वाई मतलब 0 तो 44. पी के कोऑर्डिनेट्स 4, 2 है तो इसके प्लेस पे 4 वाई के प्लेस पे 2 ये आया 60. D के कोऑर्डिनेट 0, 6 है, x के प्लस पे 0, y के प्लस पे 6, तो कितना आ गया 48 इज देयर. ये चारों में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे एट पॉइंट P. सो देयरफॉर Z हैज मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट P एंड व्हिच इज नथिंग बट 60. वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और यही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता 4 मार्क के लिए. 7.1 में से भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 7.2 में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 7.3 थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था मगर वो डिलीट हो गया. इसलिए आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो 7.4 पे पूछेगा 4 मार्क के लिए. वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग. आज टाइम खत्म भी हो गया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे. कम से कम 2 से 3 प्रश्न लेंगे अपन, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बाकी के प्रॉब्लम तुम घर पे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, टाइम खत्म भी हो गया तो ऑनलाइन लो, इसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे. सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल मैक्सिमाइज. टाइम खत्म हो गया तो भी आज हम कंटिन्यू करेंगे इसको. ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 2 से 3 टाइप अगर से बताया था मैंने, मैक्सिमाइज के 2 और मिनिमाइज के 2 करके हम कोई एक साइड को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इतनी सिंपल है, देखो सब में चीज है. सो दिस आर ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इनइक्वालिटीज इन दैट वन, सी हियर नाउ. So see here now, what are the inequalities? Question number 2, maximize z is equal to, where is the, wait a minute. Yes, see you now. Maximize. 1 minute. Again, same type of question is given to us. हर क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने का, इतना सिंपल है. 4 मार्क के लिए पकड़ के, इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत सिंपल है. So let us see now. Next question, maximize z is equal to 4x plus 6y.
4x plus 6y. Then subject to वही कंस्टेंट है 3x plus इसको दो ही है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है 3x plus 2y less than equal to 12 comma x plus y greater than equal to 4 then x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 इसे वेरी सिंपल मां बोल सबसे पहला काम यू हैव टू ड्रॉ द टेबल फॉर दैट वन टेबल कैसा लाइंस फिर क्या x y फिर क्या लाइन पास थ्रू x y सबको याद होना चाहिए लाइन पास थ्रू x comma y then sign then region is there बस खत्म तो draw the line पहली line क्या है बोलो इसकी line 3x plus 2y is equal to 12 तो point क्या आगे बोलो 3x plus 2y is equal to 12 तो point बोलो पहले y 0 रखो इसमें y 0 रखने पे 3x is equal to 4 3 चौक 12 और जब x is equal to 0 रखेंगे तो 2 से 12 ठीक है तो लाइन ये लाइन कैसे के पास है एक पॉइंट है 4 कॉमा 0 और दूसरा पॉइंट है 0 कॉमा 6 के पास है ओके तो साइन बोलो लेस देन इक्वल है मतलब कौन सा ओरिजिन साइड ऑफ लाइन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन दूसरी लाइन का x plus y greater than equal to 4 तो x plus y is equal to 4 वही सेम कोऑर्डिनेट्स पहले y 0 तो ये 4 मिलेगा ये 0 तो ये 4 मिलेगा तो दूसरी लाइन क्या मिलेगी सीधी लाइन CD line is there, C and D. ठीक है, sin is greater than equal, so which portion you have to show it shade here? Greater than equal मतलब non-origin side of line is there. एक खत्म. तो यहाँ पे points क्या मिले? दो points मिले. यहाँ लिखते हैं क्या अपन? और उसके साथ पे graph लिखा लेंगे. पहला point मिला 4,0 और 0,6. दूसरा point मिला 4,0 0,4 is there. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पहले एक्स पे देखो मैक्सिमम क्या है 4 0 4 0 मैक्सिमम 4 वाई कोऑर्डिनेट पे कितना है 0 6 0 4 मैक्सिमम कितना है 6 सो 1 1 का डिस्टेंस लेंगे हम इसमें सो यू टेक द डिस्टेंस एज अ 1 1 यूनिट है 1 1 डिस्टेंस अगर से लेंगे तो देखो ग्राफ ऐसा आएगा क्या इसका मतलब ग्राफ ऑफ दैट वन वेरी सिंपल वन ग्राफ ऐसा आएगा क्या थोड़ा आगे लेंगे कितना 0 एक दो तीन चार पांच छ अगेन 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 बोलो पहला पॉइंट ए बी लाइन 4,0 0,6 4,0 0,6 इज देयर इट इज आवर फर्स्ट लाइन इज ए बी इज हियर ये ए और ये बी दूसरी लाइन 4,0 0,4 4,0 0,4 सेकंड लाइन तो यहाँ पे ये लाइन कौन सी है सी और कौन सा डी तो यहाँ पे वही कंसेप्ट ए एंड सी बोथ हैव द सेम कोऑर्डिनेट्स तो ए लो या फिर सी लो जिनसे रिवर्स करें दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है सेम अब बोलो स्क्रीन पर रीजन कौन सा